ओके, कंटिन्यूइंग विद फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या होता है कि फोर्थ टर्म, एक एपी में फोर्थ टर्म क्या है -15, नाइन टर्म क्या है -30। तो S10 मतलब सम ऑफ द 10 टर्म्स, उस इसमें जो 10 टर्म्स है उसको, उसका सम क्या होगा हम लोग को फाइंड करना है। ओके, नाउ सी फॉर T4 इज इक्वल टू A+3D, राइट। सो -15 इज इक्वल टू A+3D, सो A+3D इज इक्वल टू -15, ये इक्वेशन आया, इसके पहले भी ऐसे सम हमने किया है। ओके, फॉर T9 इज इक्वल टू A+AD, T9 कितना है -30, T9 क्या है -30, सो -30 इज इक्वल टू A+8D, सो A+8D इज इक्वल टू -30। अब देखो इसमें हम लोगों ने A और D क्यों फाइंड किया है, क्योंकि SN के लिए हम लोग को A और D चाहिए, SN के लिए हमें क्या चाहिए, A और D चाहिए। तो A+8D इज इक्वल टू -30 माइनस A+3D इज इक्वल टू -15। इक्वेशन टू से हम लोगों ने क्या किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो A कैंसिल हुआ, 8D -3D, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन किया ना तो प्लस का माइनस हुआ, तो 8D -3D 5D इज इक्वल टू -15। -30 +15 -15, 5D इज इक्वल टू -15, देन D इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 5 एंड D इज इक्वल टू -3। D की वैल्यू क्या है, -3। अब A हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट D इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाला। इक्वेशन 1 क्या है, A+3D इज इक्वल टू -15, A+3D इज इक्वल टू -15, सो A+3 इंटू -3 इज इक्वल टू -15, A+3 इंटू -3 इज इक्वल टू -15, सो A-9 इज इक्वल टू -15, A इज इक्वल टू -15 +9, A इज इक्वल टू -6, A क्या है इसमें -6, नाउ A इज इक्वल टू -6, D इज इक्वल टू -3, सो S10 फाइंड कर सकते हैं, S10 इज इक्वल टू N/2, 2A +N-2D, फार्मूला है, फार्मूला हर बार तुम्हें लिखना ही होगा, S10 इज इक्वल टू 10/2, 2 इंटू -6 +10 -1 -3, सो 2 1 2 5 तो 5 यहाँ पे, 2 इंटू -6 -12 +10 -1 9, 9 इंटू -3 के 9 इंटू -3 -27, सो -12 -27 -39, -39 इंटू 5 क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, -195। तो इसमें अगर फोर्थ टर्म तुम्हारा -15 है और 9 टर्म -30 है, तो ये जो 10 टर्म्स है, सम ऑफ द 10 टर्म इज इक्वल टू -195। ओके, नेक्स्ट सम इज 2 एपी है, एक है 975... एंड सेकेंड इज 24 21 18... दो एपी है अपने पास, इन दोनों एपी का एक जो टर्म है वो एक टर्म सेम है, दोनों एपी में एक टर्म जो एक नंबर है वो क्या है, सेम है, तो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है और वो कौन से रैंक पे है, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट है, नाइन्थ है कि इलेवेंथ है, तो कौन सा है वो। ओके, तो हम लोग को फाइंड करना है TNNN। ओके, क्या फाइंड करना है, TNNN, एन मतलब वो नंबर कौन से रैंक पे, और TN मतलब क्या कि वो जो नंबर है वो नंबर कौन सा है। ओके, सो AP फर्स्ट AP क्या है 975... जिसमें A इज इक्वल टू क्या है 9 है, D इज इक्वल टू 7 - 9 इज -2, TN क्या आएगा, TN इज इक्वल टू A+N-1 × D, सो 9 + N-1 × -2, -2 × 9 N, -2 N, -2 1 2, इज इट क्लियर। ओके, सो 2 + 9 + 2 कितना हुआ 11, -2 N, नंबर 1। सेकेंड देखो AP क्या है 24 21 18 ... ओके, सो A इज इक्वल 24, D इज इक्वल 21 - 24, आंसर इज -3। नाउ TN इज इक्वल टू, देयरफॉर TN इज इक्वल टू A+N-1 × D, सो 24 + N-1 × -3, -3 × N, -3 N, -3 + 3 1 3, सो 24 माइनस
24 प्लस 3 27 माइनस 3 n। ये समझ में आया, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। लेकिन क्या होता है, nth टर्म ऑफ बोथ ए पी इज सेम, nth टर्म ऑफ बोथ ए पी इज सेम, मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। सो 11 माइनस 2 n इज इक्वल टू 27 माइनस 3 n। सो 11 माइनस 27 इज इक्वल टू माइनस 3 n माइनस 2 n। क्या क्या नंबर्स को हम लोग ने यहाँ चेंज किया, 11 माइनस 27 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 3n, सॉरी यहाँ पे प्लस 2n आएगा, प्लस 2n। सो माइनस 3n प्लस 2n माइनस n, अगेन माइनस माइनस कैंसल, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16। अभी n मिला हम लोग को, मतलब 16 टर्म जो है, 16th टर्म जो है वो क्या है, सेम है। अब वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है, सो टी एन इज इक्वल टू 11 माइनस 2 एन फ्रॉम 1, 11 माइनस 2 इंटू 16, 11 माइनस 32, 11 माइनस 32 माइनस 21, मतलब दोनों ए पी में माइनस 21 कॉमन है, दोनों ए पी में माइनस 21 क्या है, कॉमन है। और कौन से रैंक पे, 16th रैंक पे, मतलब इस टर्म का 16 टर्म, सॉरी इस ए पी का 16 टर्म और इस ए पी का 16 टर्म सेम है, एंड दैट इज माइनस 21। क्लियर, सिक्स सम देखो, इफ सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ एन ए पी इज 7 एंड सम ऑफ सेवेंथ एंड फोर्थ टर्म इज माइनस 3, 14th term, sorry, 7th and 14th term is minus 3, then find the 10th term. क्या दे हम लोग को यहाँ पे, T3 and T8, T3 plus T8 is equal to 7 and T7 plus T14 is equal to minus 3. Okay, see now, T3 कैसे आएगा, A plus 2D, T8 कैसे आएगा, A plus 7D, T7 कैसे आएगा, A plus 6D एंड T14 A plus 13D। मैंने 8 पहले इस लिखा क्योंकि कंडीशन में 3 और 8 है और 7 एंड 14 है। एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या बताया कि T3 plus T8 इज इक्वल टू 7, मतलब A plus 2D plus A plus 7D इज इक्वल टू 7। ओके, एंड देयरफॉर A plus 2D plus A plus 7D इज इक्वल टू 7, A plus 8 2A, 2D plus 7D, 9D is equal to 7, is the equation number 1. उसके बाद also A plus 6D plus A plus 13D is equal to minus 3. So A plus 6D plus A plus 13D is equal to minus 3. A plus 8, 2A, 6 plus 13, 19D is equal to minus 3, is the equation number 2. Subtract equation 1 by 2. A plus 2A plus 19D is equal to minus 3. माइनस 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ। सो 19 माइनस 9 10d, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10। देखो यहाँ पे क्या था, 7 था, ओके 7 था, लेकिन सब्ट्रैक्शन किया इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 7, प्लस 7 का माइनस 7 हो गया क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। सो 10d इज इक्वल टू माइनस 10, सो d इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय 10 एंड d इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1। अब तुम लोग a फाइंड कर सकते हो, ओके 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। सो 2a प्लस 9 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 2a माइनस 9 इज इक्वल टू 7, ये माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, 2a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 एंड a इज इक्वल टू 8, a का वैल्यू क्या आया, 8। अब T10 हम लोग को फाइंड करना है, T10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, अगर फॉर्मूला लोगे तो ये आएगा a प्लस 9d। सो 8 प्लस 9 इंटू माइनस 1, 8 माइनस 9 आंसर इज माइनस 1। तो T10 क्या है इसमें, इस ए पी में T10 क्या आता है, माइनस 1। क्लियर, वेरी गुड।